नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वॉरियर में। दोस्तों, अभी 1 अप्रैल को चाइना का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है और 1 अप्रैल को जैसे ही चाइना का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, वेबसाइट ओवरलोड हो गई थी। तो अभी वेबसाइट 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है अगेन, ठीक है। तो चाइना में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स? अगर आपकी टीम चाइना में है तो चाइनीज़ टीम को आप क्या बोलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले, मेंबरशिप ऑफ एटोमी चाइना डिवाइड्स इनटू कंज्यूमर मेंबर एंड डीलर मेंबर। जो चाइना में रजिस्ट्रेशन होगा वो 2 भागों में होगा, एक तो कंज्यूमर मेंबर रहेंगे और एक डीलर मेंबर। तो आपको चूज करना है कंज्यूमर मेंबर रजिस्ट्रेशन करना है या डीलर मेंबर, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। आइदर कंज्यूमर मेंबर और डीलर मेंबर। रजिस्ट्रेशन मेथड इन्फॉर्मेशन इज फॉलो। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं चाइना के लिए वो देखिए। फॉर कंज्यूमर मेंबर, जो लोग एज ए कंज्यूमर मेंबर एटोमी से जुड़ना चाहते हैं, और दूसरे हैं डीलर मेंबर। तो जो कंज्यूमर मेंबर जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उनको बोलेंगे हम कंज्यूमर मेंबर। उसके लिए फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 22 ईयर्स ओल्ड। आपकी जो चाइनीज सिटीजन्स की एज है वो 22 साल होनी चाहिए मिनिमम। सेकंड बेसिक रिक्वायरमेंट है होल्डिंग चाइनाज सेकंड जनरेशन आईडी कार्ड। उसके पास चाइना का सेकंड जनरेशन आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे अपने यहाँ पे वोटर आईडी है, ऐसे चाइना में सेकंड जनरेशन आईडी कार्ड होता है। फॉर फॉरनर्स पीपल फ्रॉम होंगकॉन्ग, जो लोग होंगकॉन्ग में रहते हैं, मकाऊ में रहते हैं और ताइवान में रहते हैं, शैल होल्ड ए वैलिड चाइनीज लॉन्ग टर्म रेजिडेंट सर्टिफिकेट। होंगकॉन्ग, मकाऊ और ताइवान के लीडर्स के लिए चाइनीज़ का एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है उनके पास, तो वो भी उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड पर्सनल चाइनीज मोबाइल नंबर। और चाइना में जो बेसिक फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, हर सिटीजन का अलग अलग मोबाइल नंबर होता है, तो उनका खुद का मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। लास्ट फोर्थ है, द कंपनी ओनली एक्सेप्ट ज्वाइंट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड रजिस्टर्ड कपल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर आप, ठीक है। कंपनी ओनली एक्सेप्ट ज्वाइंट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड रजिस्टर्ड कपल। जो कपल रजिस्टर्ड है, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, एज ए कपल मेंबर एक ही आईडी होगी, यानी ज्वाइंट आईडी होगी, एक ही आईडी पे हस्बैंड और वाइफ काम करेंगे। अलग अलग आईडी एटोमी चाइना में भी अलाउ नहीं है, ठीक है। हस्बैंड की आईडी है तो वाइफ का नाम उसके साथ ऐड हो जाएगा और दोनों की आईडी एज ए कपल मेंबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, द कंपनी ओनली एक्सेप्ट ज्वाइंट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड रजिस्टर्ड कपल्स। नेक्स्ट है, एंड डज नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फिल्ड इन नेम ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर चाइना में कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना कंपनी के नाम से या ऑर्गेनाइजेशन के नेम से एटोमी में रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, तो उनका एटोमी चाइना में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप एटोमी चाइना में किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप अपनी आईडी ओपन नहीं कर सकते। सेम कंडीशन इंडिया में है, ठीक है। द कंपनी रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। और कंपनी जो एप्लीकेशंस आएंगे, जो रजिस्टर्ड मेंबर आएंगे, उनको वेरीफाई करेगी, सर्टिफाई करेगी, और अगर किसी में भी कुछ भी गलत पाया गया, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पाई गई, तो कंपनी को अधिकार है पूरा उसकी आईडी रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है, और एक्सेप्ट करने के लिए। कंपनी रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, यानी कि जो डिटेल्स सही होंगी, जो एक्चुअल डिटेल्स होंगी एज पर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन, उन्हीं लोगों की आईडी चाइना में रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज डिक्लाइन कर दी जाएगी। एप्लीकेशन मेथड के बारे में देखिए आप। एप्लीकेशन मेथड के लिए क्या है कि आपको एटोमी चाइना की वेबसाइट पे क्लिक करना है, atomychina.com.cn, ठीक है। चाइना की जो वेबसाइट है उसका नाम है www.atomychina.com.cn, और वैसे उसका नाम है एटोमी चाइना कंपनी लिमिटेड, ठीक है। दी ऑफिशियल वेबसाइट है और दी ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ एटोमी चाइना, या फिर एटोमी चाइना की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन भी है, विच कैन बी डाउनलोडेड थ्रू दी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। और जब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि चाइना में गूगल्स की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। गूगल्स और यूट्यूब, फेसबुक वहाँ पे नहीं चलता, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक द मेंबर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल।
मेंबर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कंट्री रीजन, और थर्ड स्टेप है वो हमारे नेक्स्ट वॉलपेपर में देखिए आप। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का थर्ड स्टेप है रीड एंड एग्री दी रिलेवेंट टर्म्स अकॉर्डिंग टू दी प्रॉम्प्ट्स। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको रीड एंड एग्री विद रिलेवेंट टर्म्स अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी है, और उसके बाद जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है, एग्री करना है। नेक्स्ट फोर्थ है फिल इन द रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई विद योर मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल्स है आपको फिलअप करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सरनेम आपका जो भी है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पासवर्ड हो गया, रिपीट पासवर्ड, गेस्ट पासवर्ड, और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट दी पार्टनर्स एंड एजुकेशन सेंटर टू कंप्लीट दी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको सेलेक्ट पार्टनर्स यानी कि आपको स्पॉन्सर आईडी डालनी है जिसके नीचे आपको चाइनीज टीम स्टार्ट करनी है। उसके बाद एजुकेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। चाइना में जितने भी एजुकेशन सेंटर्स हैं उसके अंदर अगर जो आएंगे तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो कोरिया का सियोल सेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, और जो एजुकेशन सेंटर हैं जब आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी चाइना में तो बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, तो कोई एजुकेशन सेंटर कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो साउथ कोरिया का सेलेक्ट कीजिए, अगर चाइना का अवेलेबल है तो चाइना का कोई भी एजुकेशन सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो। साउथ कोरिया के अलावा किसी भी कंट्री का आपको चाइनीज टीम के लिए एजुकेशन सेंटर सेलेक्ट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट नोट, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट, देखिए अब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, नेम, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एटॉमिक चाइना रजिस्ट्रेशन के लिए, नेम, निकनेम, मोबाइल फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड नंबर एंड फोटो ऑफ फ्रंट एंड बैक ऑफ आईडी कार्ड, रिसीवर एड्रेस, अकाउंट नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले चीज़ चाहिए नेम, निकनेम, मोबाइल फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड नंबर जो वहाँ का नेशनल आईडी कार्ड नंबर है वो, और उसके फ्रंट एंड बैक साइड की फ़ोटो और एड्रेस, अकाउंट नंबर ऑफ पार्टनर्स, अकाउंट नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो अपने जो जितने भी अकाउंट नंबर ऑफ पार्टनर्स का यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो केवाईसी, तो केवाईसी से रिलेटेड नहीं है, जो स्पॉन्सर आईडी है उसको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द इनिशियल रजिस्ट्रेशन पीरियड, हाँ जो मैं आपको बताने जा रहा था वो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज नो एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग इनिशियल रजिस्ट्रेशन पीरियड दिस सबऑर्डिनेट कंपनी इज बाई डिफॉल्ट आफ्टर द एजुकेशन सेंटर जनरेटेड इट कैन बी कन्वर्टेड बाई द इट सेल्फ। ओके, अगर एजुकेशन सेंटर रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी नहीं है तो बाई डिफॉल्ट वो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, और जब एजुकेशन सेंटर जनरेट हो जाएगा सिस्टम के अंदर तो वो आप अपने हिसाब से एजुकेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, जो नियरेस्ट चाइनीज सिटीज़ में आप रह रहे वहाँ पर जो भी एजुकेशन सेंटर है आपका। ठीक है, मेंबर ऑफ चाइनीज नेशनैलिटी हु हैव रजिस्टर्ड ओवरसीज एज एटोमी मेंबर कैन नॉट रजिस्टर्ड रिपीटेडली, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेंबर ऑफ चाइनीज नेशनल, जो भी चाइनीज सिटीजन है दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, सपोज करो कोरिया में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे टीम वॉरियर के कुछ चाइनीज मेंबर हैं वो कोरिया में रह रहे हैं, उनके पास कोरियन सिटीजनशिप थी तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारी टीम में, वो दोबारा से एटोमी चाइना में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते, क्योंकि उनका एक रजिस्ट्रेशन पहले एज ए कोरियन सिटीजन उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो वो दोबारा से एटोमी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं है, एक ही चाइना का कोई भी मेंबर किसी भी कंट्री में रह रहा है, वहाँ की सिटीजनशिप उसने ले ली है तो वो उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन एक बार हो चुका है एटोमी में उसका, तो दोबारा से उसका रजिस्ट्रेशन एटोमी चाइना में नहीं होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी मेंटेनेंस, आइडेंटिटी मेंटेनेंस का मतलब ये है कि कंज्यूमर मेंबरशिप इज़ कंसिस्टेंट विद वैलिडिटी पीरियड ऑफ इट्स मेंबर अकाउंट, जो भी आईडी एज ए कंज्यूमर मेंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी उनके वैलिडिटी अकाउंट की रहेगी, जैसे कि एक साल होता है, साल में एक प्रोडक्ट आपको बाय करना होता है, आपके आईडी सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी। ठीक है, जो भी मेम आईडी एक्टिवेशन का पीरियड है वो दिया जाएगा, बताया जाएगा आपको जो आईडी एज ए कंज्यूमर मेंबर चाइना में रजिस्ट्रेशन होगी उसके लिए। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ मेंबर अकाउंट भी बताया जाएगा न्यू मेंबर। नेक्स्ट, न्यू मेंबर द मेंबर अकाउंट एंड कंज्यूमर मेंबरशिप कैन बी मेंटेन्ड बाय परचेजिंग, हाँ ये है कि जो भी नया मेंबर है उसकी मेंबरशिप रहेगी सिस्टम में मेंटेन्ड बाय परचेजिंग, उसको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। ठीक है, परचेजिंग द प्रोडक्ट सोल्ड बाई ऑफिशियल इंटरनेट शॉपिंग मॉल एंड द ऑफिशियल मोबाइल ऐप एटलीस्ट वंस इन 6 कंजुकेटिव मंथ सिंस द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन।
एक बार उनको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा आईडी एक्टिवेट रखने के लिए चाइना में, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से या मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन जो भी है उससे आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा एटलीस्ट वंस इन 6 कंजुकेटिव मंथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 6 महीने में एक बार आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा चाइना में, अगर आपकी आईडी एज ए कंज्यूमर मेंबर एक्टिवेट रखना है आपको तो। ठीक है, सिंस द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आपका पहला रजिस्ट्रेशन होता है उसके 6 महीने के अंदर आपको एक प्रोडक्ट बाई करना पड़ेगा तो ही आपके आईडी सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी। ठीक है, और इंडिया में देखो वैसे दूसरे कंट्री में 1 साल है, चाइना में 6 महीने किया है कंपनी ने, तो हो सकता है इंडिया में भी कुछ गाइडलाइंस आ सकती हैं इसके अनुरूप, तो वो बाद में देखेंगे हम। फिलहाल हम चाइना के रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिन्यूड मेंबर, दूसरा पॉइंट है रिन्यूड मेंबर, आपकी आईडी रिन्यूअल कब होगी। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द लास्ट परचेज, जो परचेज आपने लास्ट की, जैसे 6ठे महीने में आपने परचेज की जून में प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द 12th मंथ, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द लास्ट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द 12th मंथ, यानी कि जैसे ही आपकी ऑफिशियल आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है चाइना में तो 6 महीने के अंदर आपको एक प्रोडक्ट बाई करना है, और जो प्रोडक्ट आपने लास्ट डेट बाई किया है जैसे जून के महीने में बाई किया है तो उसके 1 साल तक आपकी आईडी की वैलिडेशन रहेगी, यानी कि जून 2021 तक वो आईडी सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी, बशर्ते कंडीशन ये है कि वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने के अंदर एक प्रोडक्ट बाई करना है, और जो प्रोडक्ट आप बाई करोगे उससे 1 साल और ऐड कर लो, आपकी आईडी तब तक सिस्टम में एक्टिवेट रहेगी। मेंबर्स अकाउंट दैट एक्सीड अबोव द टर्म विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड, मेंबर्स अकाउंट दैट एक्सीड द अबोव टर्म विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड, जो मेंबर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे उसकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट पेज पे परमिशन टू परचेज ओवरसीज प्रोडक्ट, सेकंड पॉइंट है कि एटोमी चाइना में जो मेंबर रजिस्टर्ड हैं वो दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या नहीं, वो आप देख लीजिए, सुन लीजिए, सब कुछ क्लियरली मेंशन किया हुआ है इसमें। मेंबर्स इंक्लूडिंग डीलर्स, जो मेंबर एटोमी में एज ए कंज्यूमर मेंबर रजिस्ट्रेशन हुआ है या डीलर मेंबर रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप रजिस्टर्ड इन एटोमी चाइना कैन ओनली परचेज प्रोडक्ट लिस्टेड इन एटोमी चाइना शॉपिंग मॉल, कैन नॉट परचेज प्रोडक्ट ऑफ अदर ओवरसीज कंपनीज। ठीक है, जो भी मेंबर रजिस्ट्रेशन हुए एटोमी चाइना में वो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं जो भी एटोमी चाइना शॉपिंग मॉल में लिस्टेड हैं, जो भी प्रोडक्ट वहीं वो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जो चाइना में है एटोमी का वेबसाइट से परचेज करने पड़ेंगे, और या मोबाइल एप्लीकेशन चाइना से जो एटोमी की है उससे परचेज करने पड़ेंगे, उसके अलावा कैन नॉट परचेज प्रोडक्ट ऑफ अदर ओवरसीज कंपनी, उसके अलावा वो दूसरी विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते उसी वेबसाइट से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज, अभी तक जो बातें हो रही थी वो एज ए कंज्यूमर मेंबर चाइनीज़ एटोमी में क्या क्या रूल फॉलो करने हैं उसके बारे में थी, अब चाइना में जो सेकंड आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कंज्यूमर के अलावा एज ए डीलर मेंबर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो डीलर मेंबर के लिए क्या कंडीशंस हैं वो देखिए आप। ठीक है, यू शुड अप्लाई टू बी ए कंज्यूमर मेंबर बिफोर अप्लाइंग टू द डीलर मेंबर, यानी कि जैसे इंडिया में अभी एज ए कंज्यूमर मेंबर अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 10 लाख से 11 लाख से ज़्यादा के करीब, और जब एटोमी इंडिया की वेबसाइट ओपन होंगी तो सारे के सारे कंज्यूमर अकाउंट कन्वर्ट हो जाएंगे एडीएन में, एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर में। उसी प्रकार से चाइना में पहले आपकी जो आईडी होगी वो एज ए कंज्यूमर मेंबर रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा एज ए डीलर मेंबर में। तो इसमें यही है पहला पॉइंट, यू शुड अप्लाई टू बी ए कंज्यूमर मेंबर, सबसे पहले आपको एज ए कंज्यूमर आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अप्लाइंग टू बी डीलर, उसके बाद आपकी आईडी कन्वर्ट होगी डीलर मेंबर में। एलिजिबिलिटी, दी एप्लीकेंट इज लीगली रजिस्टर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पार्टनरशिप सोलो प्रोप्रिएटरशिप एंटरप्राइज और इंडिविजुअल बिजनेस इन चाइना। ठीक है, यानी कि जो भी लीगली रजिस्टर्ड मेंबर्स हुए हैं अभी कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी के अंडर या पार्टनरशिप के अंदर या एटोमी के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, उनका उनका इंडिविजुअल बिजनेस होगा चाइना में एटोमी के अंदर। सेकंड पॉइंट है, द पार्टनरशिप ऑपरेटर और पर्सन इन चार्ज ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एप्लीकेंट शैल नॉट बी फुल टाइम स्टूडेंट्स, टीचर्स, मेडिकल्स, पब्लिक सर्वेंट्स, मिलिट्री पर्सन इन एक्टिव सर्विस, पर्सन विद नो कैपेसिटी फॉर सिविल कंडक्ट और रेस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी ऑफ सिविल कंडक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी कंपनी के साथ मेंबर्स जुड़े हैं जो लोग भी, ठीक है, वो फुल टाइम स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि फुल टाइम स्टूडेंट आप अगर चाइना में हैं तो एटोमी ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर आप टीचर्स हैं, अगर आप मेडिकल वर्कर्स हैं, अगर आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अगर मिलिट्री पर्सन हैं एक्टिव सर्विस में,
या पर्सन्स विद नो कैपेसिटी फॉर सिविल कंडक्ट, या आप किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिविल में गवर्नमेंट के साथ आपका टाई अप है, ऐसा कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, तो शैल नॉट बी एटोमीज रेगुलर एम्प्लॉयज़। और आप इसके अलावा एटोमी के रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए, यानी कि चाइना में वो लोग एटोमी में ज्वाइन नहीं हो सकते जो लोग वहाँ पे स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, मेडिकल वर्कर्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, मिलिट्री पर्सनल इन एक्टिव सर्विस पर्सनल, नो सिविल, नो कैपेसिटी, जो भी है इस तरीके। और जो एटोमी के एम्प्लॉयज़ होंगे, एटोमी ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ये ग्लोबली डिसाइड होता है। एटोमी का जो ऑफिस होता है किसी भी कंट्री में सेटअप होता है, तो जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एटोमी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, अपने नाम से कोई भी आईडी नहीं लगा सकते, ये ग्लोबल रूल है एटोमी का, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेंगी वहाँ पे, एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, और अपने फैमिली के नाम से भी वो कोई आईडी नहीं लगा सकते, ठीक है। ओवरसीज़ पर्सनल, जो लोग दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम हांगकॉन्ग, चाइना, मकाओ, मेंबर ऑफ एनी कल्ट और इलीगल ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिटेड बाई चाइनीज़, तो रूल तो काफ़ी टाइट है दोस्तों चाइना में, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट एंड पर्सन्स हु आर प्रोहिबिटेड ला बाई लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस फ्रॉम एंगेजिंग ए पार्ट टाइम जॉब, जो लोग गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार से चाइना में इन्वॉल्व हैं, वो लोग एटोमी के साथ नहीं जुड़ सकते, और जो एम्प्लॉयज़ है वो भी नहीं जुड़ सकते, और ठीक है। तो ये सारी आपको कंडीशंस हैं, देखनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी सभी को। नेक्स्ट है पार्टनरशिप ऑपरेटर और पर्सन इन चार्ज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए कंज्यूमर मेंबर ऑफ एटोमी एंड द कंज्यूमर मेंबरशिप इज़ वैलिड, और कंज्यूमर मेंबरशिप अगर आप जुड़ना चाहते हैं उसके साथ तो जुड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपकी जो कंज्यूमर आईडी है वो डीलर आईडी में कन्वर्ट होगी, उसके लिए ये जो कंडीशन बताई है डीलर आईडी के लिए बिजनेस करने के लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज ए कंज्यूमर मेंबर आप जुड़ सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए जो चाइनीज गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन हैं जो एटोमी ने बनाए हैं, जो पॉइंट नंबर टू है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन मेथड नेक्स्ट है, एप्लीकेशन का क्या मेथड रहेगा, जो मेंबर एज ए डीलरशिप कन्वर्ट करेंगे आईडी उसमें क्या करना है आपको, वो देखिए नेक्स्ट वॉलपेपर में। चाइना में जो आईडी एज ए कंज्यूमर मेंबर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है पहले, उनको डीलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा वो देखिए, ठीक है। जैसे एटोमी इंडिया में अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एज ए कंज्यूमर मेंबर, और जब एटोमी इंडिया की वेबसाइट आएगी तो आपका डाटा पूरा माइग्रेट होगा एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर, और एज ए कंज्यूमर मेंबर जो आईडी है वो कन्वर्ट होगी एटोमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर में, ठीक है। तो सेम प्रकार से चाइना में रजिस्ट्रेशन आपका एज ए कंज्यूमर मेंबर हो चुका है, तो सेकेंड उसको कन्वर्ट करना है एज ए डीलर अकाउंट में, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन जो दिखा रखी है वो आपको फॉलो करनी है, राइट। नेक्स्ट, द एप्लीकेंट यूजेज हिज कंज्यूमर मेंबर अकाउंट टू विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एटोमी चाइना, ठीक है। जो भी अकाउंट है यूजर आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। नेक्स्ट, द ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, आप या तो आप मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन कर सकते हैं या वेबसाइट से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट फर्स्ट जो ऑप्शन है, सेलेक्ट मॉडिफाई इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्ट अप्लाई फॉर डीलर, पहला जो ऑप्शन है उसमें एप्लीकेशन में मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन अप्लाई फॉर डीलर। नेक्स्ट, रीड एंड कंफर्म द रिलेवेंट टर्म्स, फिल इन एंड अपलोड द बिजनेस लाइसेंस एंड बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, साइन द डीलर कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑफ कमिटमेंट ईटीसी। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको वो करना है, जैसे कि आपको बिजनेस लाइसेंस के लिए आपको अपलोड करना है, बैंक डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, अपना साइन अपलोड करना है, और डीलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है टर्म्स एंड कंडीशन वो भी यस करना है, और लेटर ऑफ कमिटमेंट जो भी है वो आपको उसमें क्लिक करना है, टिक करना है। फिल इन द अपलोड बिजनेस लाइसेंस एंड बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन थर्ड में है, जो अपलोड बिजनेस लाइसेंस है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको, और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालना है। फोर्थ है, पास द ऑनलाइन एग्जाम, मोर देन 80 पॉइंट्स आर क्वालिफाइड। कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, उसमें ऑनलाइन एग्जाम्स में कुछ है तो 80 पॉइंट है आर क्वालिफाइड, तो 80 पॉइंट्स के आसपास आपको क्वालिफाइड माना जाएगा, अगर आप उस पर ऑनलाइन एग्जाम में क्लिक करते हैं तो मिनिमम 80 पॉइंट्स क्वालिफाई आपको करना है उसमें। थर्ड है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, अकाउंट चेंज करते हुए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बिजनेस लाइसेंस चाहिए आपको, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डू नॉट यूज़ दिस सेम और सिमिलर वर्ड्स एज द नेम ऑफ एटोमी एंड डू नॉट यूज़ दिस सेम एंड सिमिलर होमोफोरिक वर्ड्स एज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क।
ठीक है, सबसे पहले तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपको एटॉमिक का वर्ड कहीं भी यूज नहीं करना है, ट्रेडमार्क कहीं यूज नहीं करना है, प्रोडक्ट का नाम भी कहीं भी यूज नहीं करना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर आपको अपना ओरिजिनल नाम यूज करना है। सेकंड, बिजनेस प्रॉमिस, बिजनेस की जो जो कंडीशन है वो भी आपको देखनी है। सेलेक्ट दिस साइट इन अकॉर्डेंस विद लोकल लॉज एंड रेगुलेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट सुपरविजन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, द मार्केट सुपरविजन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रिक्वायर दैट डीलर्स बिजनेस प्रमिस शैल बी सेम एज द एड्रेस रजिस्टर्ड ऑन द बिजनेस लाइसेंस। जो बिजनेस लाइसेंस में आपका जो एड्रेस आपने एटोमिक के अंदर डाला है वो एड्रेस आपका सेम होना चाहिए, बस यही इसमें देखना है, जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो वेरीफाई करेगा, ठीक है, आपका एड्रेस। थर्ड, बिजनेस स्कोप, बिजनेस स्कोप के अंदर क्या दिया गया है, बिजनेस स्कोप शुड कंटेन द वर्ड कंसल्टिंग सर्विस अदर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाई द लोकल मार्केट सुपरविजन अथॉरिटी। तो जो भी है आपका बिजनेस स्कोप उसके अंदर एक वर्ड है कंसल्टिंग सर्विस, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जो दूसरी क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट्स हैं लोकल मार्केट के सुपरविजन के लिए जो भी रिक्वायर्ड है उस पर भी आपको क्लिक करना है। नोट, द डीलर शुड एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी विद इन द बिजनेस स्कोप स्पेसिफाइड ऑन द बिजनेस लाइसेंस। जो भी बिजनेस लाइसेंस आपको मिलेगा एटोमी चाइना के अंदर, जो बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस है लीगली उसके अंदर रहते हुए आपको वहाँ पे काम करना है। अगर एक्स्ट्रा काम किया या एटोमिक की टर्म्स एंड कंडीशन वॉलेट की तो आईडी शुड बी टर्मिनेटेड, ओके, अदरवाइज लीगल रिस्क एंड लाइबिलिटी काज देयर बाय शैल बी बोर्न बाय सेल्फ। तो इसमें क्लियरली लिख रखा है आप एटोमिक इंडिया हो या एटोमिक चाइना हो, कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं एटोमिक के अंदर तो एटोमिक की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको लीगली फॉलो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपने किसी दूसरी कंपनी में काम किया जहाँ पे सेट वर्किंग होती है, जुगाड़ होता है, आपका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ इस तरह का, तो जो था वो था उसको भूल जाइए। अगर आपको एटोमी में काम करना है तो सबसे पहले आपको एटोमींस बनना होगा और एटोमी में टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ही काम करना होगा लीगली। अगर इससे बाहर अगर आप काम करेंगे तो चाहे आप डायमंड मास्टर हो या एम्पिल मास्टर हो या स्टार मास्टर, कोई भी आपका लेवल हो, एटोमी आपके एडिट टर्मिनेट करते हुए देर नहीं लगाएगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। जो लोग भी किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या अब तक जिन्होंने भी एटोमी इंडिया के अंदर उल्टा सीधा काम किया है या कर रहे हैं, आप मत करिए, ठीक है। जो भी एटोमी लॉन्च होगी इंडिया में तो जो एटोमी इंडिया की गाइडलाइन है उसके अंदर फॉलो कीजिए, और जो दूसरे लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको मना कीजिए, उल्टा सीधा कोई काम ना करें एटोमी के अंदर, क्योंकि सभी लोगों ने मेहनत की है एटोमी के लिए, ठीक है। तो सभी लीडर्स को आप समझाइए कि सबसे पहले एटोमियंस बनने, एटोमियंस बनने से पहले आपको सारी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। जो भी पास्ट था उसको साइड में रखिए, आगे अगर आपको एटोमी में अच्छा लेवल प्राप्त करना है, अच्छा लेवल अचीव करना है, सक्सेस लेना है, फाइनेंशियली फ्री होना है और अपने फैमिली की ग्रोथ लेनी है और अपना जो लाइफ वो सक्सेसफुल करना है, फ्यूचर ब्राइट करना है और एज ए करियर अपॉर्चुनिटी आपको इसको लेना है, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो कीजिए आज से ही। पास्ट को भूल जाइए, जो भी हुआ छोड़ो उसको, कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन लीगली आपको करना है। इसलिए बार बार मैं इस वर्ड के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जो भी मेरे साथी लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है एटोमी इंडिया कहीं भी हो, उनका मेहनत बेकार ना जाए एक छोटी सी गलती से। तो आप अपने अपलाइन डाउनलाइन सभी लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए कि एटोमियंस की जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना है आपको, सेम चाइनीज़ के लिए, सबके लिए सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वॉलपेपर में देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ बिजनेस लाइसेंस। नंबर फोर, एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ बिजनेस लाइसेंस इंक्लूड इंडिविजुअल बिजनेस, सोल प्रोप्रेटरशिप, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, नॉट कॉरपोरेशन। इसमें बिल्कुल क्लियरली मैसेज है कि जो भी बिजनेस लाइसेंस होगा उसके अंदर आपका खुद का बिजनेस होगा, इंडिविजुअल बिजनेस होगा, खुद के नाम पर होगा जो भी है, और या पार्टनरशिप का मतलब हस्बैंड वाइफ, या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, आप जो भी बिजनेस करोगे वो खुद के दम पे करेंगे और या एज ए कपल मेंबर आप करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बैंक अकाउंट, एक्सेप्टेबल बैंक अकाउंट्स आर ओपन्ड फ्रॉम बैंक ऑफ चाइना। जो भी चाइनीज गवर्नमेंट ने बैंक वहाँ पे लीगली घोषित कर रखे हैं उन्हीं बैंकों में आपका अकाउंट होना चाहिए। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ चाइना, चाइना मर्चेंट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, ये जो बैंक दिखा रखे हैं ये चाइनीज गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, इन्हीं में आपका अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट, एटोमी एक्सेप्ट द इंडिविजुअल अकाउंट हैंडल बाय द इंडिविजुअल बिजनेस इन द नेम ऑफ डीलर्स लीगल पर्सन। जो भी एटोमी का अकाउंट है, आपका बिजनेस अकाउंट है, वो
नेम ऑफ डीलर्स लीगल पर्सन, उसके नाम पे जो इस आदमी की आईडी रजिस्टर्ड वहाँ पे होगी, जिस लीडर की आईडी वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, वो अकाउंट उसी के नाम से होना चाहिए। बट ए कॉपी ऑफ बैंक कार्ड एंड पासबुक स्टैम्प विद दी ऑफिशियल शुड बी प्रोवाइडेड। लेकिन आपने अकाउंट नंबर डाल दिया, आपने केवाईसी कर दिया, उसके अलावा ये बोल रहा है कि आपके पास बैंक की पासबुक स्टैम्प, मतलब बैंक की जो मोहर है वो पासबुक के अंदर लगी होनी चाहिए, उसकी एक कॉपी आपको देनी है विद दी ऑफिशियल सील शुड बी प्रोवाइडेड, ये आपको अपलोड करनी है वहाँ पे, क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। बैंक की ऑफिशियल मोहर के साथ आपको वो अकाउंट प्रूफ देना है, ताकि एटोमी को ये ना लगे कि आपका अकाउंट फेक है। अकाउंट ओरिजिनल होगा तभी बैंक उस पासबुक के ऊपर मोहर मार के आपको देगा, और वो एज ए प्रूफ आपको देना है। नेक्स्ट, आल्सो एक्सेप्ट द कॉरपोरेट आरएमबी बैंक अकाउंट विद द सेम रजिस्टर्ड नेम एज इट शोन इट्स बिजनेस लाइसेंस। और जो भी अकाउंट में आपका नाम होगा, जिस नाम से आपने आईडी खोली है, सेम नाम के साथ आपका जो बैंक है उसके अंदर आपका नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। बट द बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टैम्प्ड विद द ऑफिशियल सील, और बैंक की जो ऑफिशियल सील है वो भी आपको चाहिए वहाँ पे, ठीक है। नॉन इंडिविजुअल बिजनेस मस्ट प्रोवाइड द कॉर्पोरेट आरएमबी विद द सेम रजिस्टर्ड नंबर एंड डीलर बिजनेस लाइसेंस, जो सारी इन्फॉर्मेशन सेम है इसमें, ठीक है। ठीक है, थर्ड है, इफ़ द एप्लीकेंट फेल्स टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट मीट्स रिक्वायरमेंट इज इन ए टाइमली मैनर विच में रिजल्ट इन डिले ऑफ पेमेंट ऑफ रिमनरेशन ऑफ रिफंड। अगर आप एटोमी चाइना में बैंक डिटेल्स लेट देते हैं, तो आपका जो पैसा है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आपका लेट आएगा, ठीक है। द एप्लीकेंट शैल बियर द कॉरस्पॉन्डिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसिस एंड शैल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल लाइबिलिटी ऑफ एटोमी। अगर आप एटोमी चाइना के रजिस्टर्ड मेंबर हैं, आपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दी है, नहीं प्रोवाइड की है एटोमी को, तो आपका जो पेमेंट आएगा वो कंपनी होल्ड पे रखेगी, और आप कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकते लीगली, ठीक है, अगर आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की है तो। फोर्थ, द बैंक द चेंज ऑफ बैंक अकाउंट शैल मीट दी अबोव रिक्वायरमेंट एंड द एप्लीकेंट शुड हैंडल इट थ्रू द कंपनीज कस्टमर सर्विस सेंटर। अगर आप अपना बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं चाइना एटोमी में, तो आपको कस्टमर केयर सेंटर में, सर्विस सेंटर में कॉल करके आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करना है वहाँ पे। वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कंफर्म करेंगे कि बैंक का अकाउंट आपका है, आया आपके नाम से आईडी है, जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वो मांगेंगे मेल के थ्रू टेलीफोनिकली, वो आपको वहाँ पे देनी है। उसके बाद ही आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। डाटा रिव्यू, एटोमी हैज़ द राइट टू एक्सेप्ट द एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फॉर ए डीलर, और एटोमी जो भी आपकी एप्लीकेशंस आपने दी है उसको एक्सेप्ट करेगी, उसके पास राइट है, ठीक है, टू एक्सेप्ट द एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन फॉर ए डीलर। हर एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट करेगी, बशर्ते आपने उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया हो, जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो आपने वहाँ पे सबमिट की हो। नेक्स्ट वाल पेपर में देखिए अभी आप डाटा रिव्यू के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, द एप्लीकेशन मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी ट्रू एक्यूरेट एंड कंप्लीट। इफ़ इट इज़ फॉल्स, एटोमी हैज़ द राइट टू डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई द डीलरशिप एंड कैंसिल द कंज्यूमर मेंबर अकाउंट। अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कंपनी को, अगर वो कहीं भी गलत हुई, तो कंपनी आपका अकाउंट एज ए कंज्यूमर और एज ए डीलर मेंबर कैंसिल कर सकती है, ठीक है। थर्ड, एटोमी विल रिव्यू द एप्लीकेशन मेटेरियल विद इन 5 वर्किंग डेज एंड नोटिफाई द एप्लीकेंट ऑफ द रिजल्ट बाई SMS। वंस अप्रूव द डीलर क्वालिफिकेशन विल टेक अफेक्ट आफ्टर द पेंडिंग ऑफ एटोमी चाइना शॉपिंग मॉल। जब आपकी एप्लीकेशन है, आपको 5 दिन मिलेंगे, 5 दिन के अंदर एटोमी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी, अगर सही है तो आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज भेजा जाएगा जो भी रिजल्ट रहेगा। वंस अप्रूव्ड, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है एज ए डीलर अकाउंट में, तो डीलर क्वालिफिकेशन विल टेक द इफेक्ट आफ्टर। जो भी डीलर का अकाउंट है, जब एटोमी चाइना शॉपिंग मॉल ओपन हो जाएगा, ऑफिशियली शॉपिंग होने लग जाएगी, तब से आपका अकाउंट इफेक्टिव होगा। फोर्थ, इफ द एप्लीकेंट एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन इज नॉट अप्रूव्ड, हिज एटोमी कंज्यूमर विल बी रिमेन वैलिड। अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है, तो उसका कंज्यूमर अकाउंट कंटिन्यू रहेगा वैलिड, ठीक है। फिफ्थ, द एप्लीकेंट मस्ट एप्लीकेंट मे कीप हिज एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ, द कंपनी विल नॉट प्रोवाइड इंक्वायरी सर्विस। जो भी एप्लीकेंट है, वो अपने एप्लीकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास रखें, और कंपनी विल नॉट प्रोवाइड इंक्वायरी सर्विस, कंपनी उसके बारे में किसी को भी इंक्वायरी नहीं करने देगी आपके पर्सनल एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। बोनस रिलेटेड बोनस पेमेंट साइकिल, अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बोनस है, ठीक है, जैसा कि बाइनरी प्लान है, बाइनरी प्लान में आपका वीकली पे आउट है, महीने में 4 आपको वीकली पेमेंट मिलेंगी, और मास्टरशिप बोनस हर 15 दिन में होता है, महीने में 2 बार आपको मिलता है, तो उसके लिए भी डेट डिसाइड की है। तो इसमें देखिए, असेसमेंट पीरियड फॉर डीलर सर्विस फीस
इज ट्वाइस इन ए मंथ विच इज द फर्स्ट हाफ पीरियड फ्रॉम फर्स्ट टू 15 एंड सेकेंड हाफ 16 टू एंड ऑफ मंथ. डीलर्स हु आर एलिजिबल फॉर सर्विस फीस शैल सबमिट अ फॉर्मल इनवॉइस इन फुल ऑफ कंपनी एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर इंक्वायरिंग द अमाउंट ऑफ सर्विस फीस. ठीक है, जो भी आपका असेसमेंट पीरियड है महीने में दो बार होगा यहाँ पे, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, 1 से 15 तारीख और सेकेंड 16 से 30 तारीख एंड ऑफ द मंथ. डीलर्स हु आर एलिजिबल फॉर सर्विस फीस, जो भी सर्विस फीस के लिए डीलर्स एलिजिबल होंगे उनको एक सबमिटेड फॉर्मल इन्वॉइस इन ए फुल टू दी कंपनी एज सुन एज पॉसिबल, उनको एक इन्वॉइस कंपनी को सेंड करना पड़ेगा आफ्टर इंक्वायरिंग द अमाउंट ऑफ सर्विस फीस. जो भी सर्विस की फीस है वो फर्दर उनको बताया जाएगा क्या करना है उनको. ठीक है, पेमेंट के लिए, बोनस पेमेंट के लिए प्राप्त करने से पहले कुछ कार्रवाई है वो आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, अमाउंट ऑफ सर्विस फीस फॉर द फर्स्ट हाफ पीरियड कैन बी इंक्वायर्ड एंड इनवॉइस कैन बी सबमिटेड फ्रॉम द 17th डे ऑफ द करंट मंथ. द अमाउंट ऑफ सर्विस फीस फॉर द सेकेंड हाफ पीरियड कैन बी इंक्वायर्ड एंड द इनवॉइस कैन बी सबमिटेड सेकेंड डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. मतलब जो भी पेमेंट आपको मिलेगी उसके नेक्स्ट में जो इनवॉइस है वो आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ आपको मिला है, और ये सारी डिटेल्स में चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी. ठीक है, थर्ड, सर्विस फीस फॉर द फर्स्ट हाफ पीरियड इज इश्यूड ऑन द 22nd डे ऑफ द करंट मंथ. जो भी सर्विस की फीस है वो फर्स्ट हाफ पीरियड इज इश्यूड ऑन 22, जो 22 तारीख है ठीक है करंट मंथ की, उसको इश्यू होगी. और सर्विस फीस सेकंड हाफ पीरियड इज इश्यूड ऑन 7th ऑफ द मंथ, यानी कि पेमेंट के दो डेट दी इन्होंने, हर महीने की 7 तारीख और हर महीने की 22 तारीख. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट देखिए आप, फोर्थ पॉइंट है, कंपनी रिसीव द इनवॉइस सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर प्रेयर टू द पेमेंट डेट ऑफ द करंट रिमुनरेशन एंड द इनवॉइस मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड गेट अप्रूव्ड. द कंपनी विल इश्यू सर्विस फी फॉर द करंट पीरियड इन फुल. इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव द इनवॉइस सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर प्रेयर टू द पेमेंट डेट ऑफ द करंट रिमुनरेशन और द इनवॉइस फेल्स टू गेट अप्रूव्ड, द कंपनी विल टेम्पररली डिडक्ट 20% ऑफ द सर्विस फीस एज ए टेम्पररी डिडक्शन. ये जो सर्विस फीस है, जैसे इंडिया में जो टैक्स कटता है ना, ये उससे रिलेटेड है. ठीक है, तो जो लोग चाइना में हैं और जब पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम ये सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो उनका कुछ इनवॉइस से रिलेटेड है, आपको इनवॉइस सबमिट करना है पेमेंट मिलने से पहले, मिलने के बाद जो भी चीज़ें क्लियरली आपको उसी टाइम पता चलेंगी. अभी जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो अभी शायद समझ में ना आए. ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ज़्यादा डिस्कस ना करें, नंबर पॉइंट 3 एंड 4. ठीक है, नेक्स्ट जो इनवॉइस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सारी चीज़ें वहाँ का जो लीगल है उसके अंडर हैं, जो भी वैट इनवॉइस है, जो भी डिजिनेटेड है. ठीक है, ये जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं इसके बारे में आपको लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, तो इसके बारे में फोकस ना करें अभी. ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, 3 महीने का टाइम है. हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको क्लियरली मेंशन करूंगा जो पेमेंट मेथड है एटोमी चाइना का वो किस तरीके से होगा और उसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी. अभी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन में है. ठीक है, तो मैं इनको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता. जो भी एक्यूरेट चीज़ें हैं वो हम अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ का जो पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट होगा, क्या करना है क्या नहीं, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेलकम फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर ट्रांजिशनल एजुकेशन सेंटर एटोमी चाइना ऑलरेडी ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन. तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है उसके बाद जो भी लीडर्स हैं अगर वो एजुकेशन सेंटर लेना चाहते हैं चाइना में, ठीक है, तो चाइना में एजुकेशन सेंटर ओपन करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मेंबर्स विद मोर कन्वीनियंट सर्विसेज एटोमी चाइना हैज़ मेड रिलेटेड पॉलिसी ऑफ ट्रांजिशनल एजुकेशन सेंटर. जो भी ट्रांजिशनल एजुकेशन सेंटर होते हैं इंटरनेशनली, जहाँ भी एटोमी काम कर रही है, हर कंट्री का अलग अलग गाइडलाइन होता है, उस कंट्री के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी होती है वो एटोमी की हर कंट्री में अलग अलग है. ठीक है, द ट्रांजिशनल एजुकेशन सेंटर इज नॉट ए फॉर्मल एजुकेशन सेंटर. यह एक फॉर्मल एजुकेशन सेंटर नहीं है. आफ्टर ए पीरियड ऑफ असेसमेंट द ट्रांजिशनल एजुकेशन सेंटर दैट मीट्स द कंपनी रिक्वायरमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्मल ट्रांजिशन सेंटर. अभी आपको परमानेंट सेंटर नहीं मिलेगा, जैसे ही आप एटोमी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे को फुलफिल करते हैं, तो उसके बाद आपका फॉर्मल ट्रांजिशन एजुकेशन सेंटर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि परमानेंट एजुकेशन सेंटर. और वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, ईयरली एग्रीमेंट होगा क्या होगा, वो इस देखिए आप. ठीक है, एप्लीकेशन पीरियड, अभी अगर आप चाइना में हैं और एटोमी में एक मेंबर बन चुके हैं कंज्यूमर मेंबर और अपनी आईडी डीलरशिप में कन्वर्ट कर चुके हैं और एज ए वेंडर जो सर्टिफिकेट आप साइन कर चुके हैं, अगर आपका टीम साइज़ बड़ा है, आप
नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं और आप एजुकेशन सेंटर फ्रेंचाइजी एटोमिका लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन पीरियड का टाइम दिया गया बाकायदा, अप्रैल 15, 2020 ऑनलाइन माल ओपन, टिल ऑनलाइन माल ओपन, अप्रैल 15, 2020 से एप्लीकेशन सबमिट होंगी और जब तक एटोमी ऑनलाइन वेबसाइट ओपन नहीं होती है, ऑफिशियली काम स्टार्ट नहीं होता है, तब तक वो डेट मानी जाएगी और ये डेट आगे पीछे हो सकती है, तो इस डेट को कृपया करके फिक्स डेट ना माने, अप्रोक्सीमेट डेट माने, ठीक है। सेकेंड स्टेज ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन माल अगस्त 31, 2020 को जो ऑनलाइन माल की ओपनिंग डेट इन्होंने दे रखी है। आफ्टर द ट्रांजिशन पीरियड, एक ट्रांजिशन पीरियड मिलेगा आपको 3 महीने का या जो भी है, द सर्विस सेंटर एप्लीकेशन पॉलिसी विल बी यूनिफाइड विद द ग्लोबल पॉलिसी। जो एटोमी का सर्विस सेंटर है, एटोमी की कस्टमर केयर सर्विस है, उसके सेंटर के अंडर जो पॉलिसी बनी है चाइना के लिए, वो कंडीशंस वेरीफाई की जाएंगी और ग्लोबल पॉलिसी के साथ मैच की जाएगी, ठीक है सारी चीज़ें। सेकेंड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी, अगर आपको एजुकेशन सेंटर एटोमी चाइना में चाहिए तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है चाइनीज़ नेशनलिटी, 22 साल तो एज होनी चाहिए, 22 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए जो भी मेम्बर्स हैं वहाँ पे। दोज विद फॉरेन नेशनलिटी एंड फ्रॉम हांगकॉन्ग, मकाऊ, ताइवान कैन नॉट अप्लाई। जो लोग हांगकॉन्ग में रहते हैं, मकाऊ में रहते हैं और ताइवान में रहते हैं, उनको एटोमी चाइना एजुकेशन सेंटर नहीं मिलेगा। डीलर्स ऑफिशियली ऑथोराइज द कंपनी, जो भी आईडीज कंज्यूमर से डीलर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, उनको ऑफिशियली कंपनी ऑथोराइज करेगी सेंटर इफ दे आर एप्लीकेबल। थर्ड पॉइंट, हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट फिलोसफी एंड बी विलिंगनेस टू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल सेंटर्ड कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये, ठीक है। हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग, और जो लीडर एटोमी का सेंटर ओपन करेगा उसको एटोमी की डीप नॉलेज होनी चाहिए और एटोमी के रूल एंड रेगुलेशन पे वो चलना चाहिए, जो भी कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन है अपनी इच्छा से, ठीक है। एंड ही विलिंगनेस टू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल सेंटर्ड कल्चर, प्रिंसिपल सेंटर्ड कल्चर का मतलब ये है कि जो भी एटोमी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखी है उसके अंदर ही रह करके आपको काम करना है, एटोमी कल्चर को फॉलो करना है, ओके। फोर्थ, बाई द एप्लीकेशन डेट देर इज नो वार्निंग फॉर ओपनिंग द सर्विस सेंटर इन एडवांस। सर्विस सेंटर को एडवांस में कोई ओपन नहीं करना है। इफ द एप्लीकेंट्स इज एन ओवरसीज चाइनीज मेंबर हु कैन कन्वर्ट टू एटोमी चाइना मेंबर हैज नॉट पनिश्ड और वार्न बाय कंपनी टू द डेट ऑफ, कोई एटोमी चाइना का मेंबर है दूसरे कंट्री में और वो कंपनी की तरफ से कोई भी पनिश नहीं किया गया, उसको वार्निंग नहीं मिली है, तो उसके लिए गाइडलाइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फिफ्थ पॉइंट जो कंडीशन है वो बता रहा हूँ मैं इसमें, अबाइड बाय नेशनल लॉ एंड रेगुलेशन, दोज हु हैव वायलेटेड नेशनल लॉ कैन नॉट अप्लाई। जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं और चाइना के नेशनल लॉ को वायलेट कर रखा है, उनके ऊपर कोई केस है, तो ऐसे जो नेशनल लॉज के खिलाफ हैं वहाँ पे कोई भी क्रिमिनल्स हैं तो वो एटोमी सेंटर उसको प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। डीलर्स ऑफ अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैन नॉट, जो लोग दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं चाइना में, अगर उनको एटोमी का सेंटर चाहिए तो उनको सेंटर नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन मेथड। एप्लीकेशन मेथड कैसे होगा, टू अप्लाई फॉर एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड प्लीज़ अप्लाई थ्रू एटोमी चाइना सर्विस सेंटर सिस्टम। एक एटोमी चाइना सर्विस सेंटर सिस्टम अप्लाई किया गया है, center.atomichina.com.cn, ये एक वेबसाइट है सेंटर के लिए, अभी ओपन नहीं होगी, बाद में ओपन होगी, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द सेंटर इंक्लूडिंग अपलोडिंग फोटोज ऑफ द प्री सिलेक्टेड साइट। आपको जो साइट, जिस साइट पे आप एजुकेशन सेंटर ओपन करना चाहते हैं उसकी फोटो आपको अपलोड करनी है ट्रांजिशन सेंटर की। ए लेटर ऑफ गारंटी साइंड बाई मेंबर ऑफ द ग्रुप सीनियर क्लब, यस, ए लेटर ऑफ गारंटी साइन बाई ए मेंबर ऑफ द ग्रुप सीनियर क्लब। आपका जो लेटर है, आपके ग्रुप का जो सीनियर क्लब का मेंबर है, यानी कि रॉयल क्लब का जो मेंबर होता है मिनिमम स्टार मास्टर, उसके द्वारा वो साइन किया होना चाहिए। ए लेटर ऑफ कमिटमेंट साइंड बाई दी एप्लीकेंट, और एक लेटर एप्लीकेंट से साइन होना है। बिजनेस लाइसेंस, हाउस लीज, कॉन्ट्रैक्ट आदि, ठीक है। इंटरव्यू द मैनेजर ऑफ द ब्रांच ऑफिस वेयर दिस सर्विस सेंटर इज लोकेटेड विल कंडक्टेड द इंटरव्यू। आपको एटोमिक एजुकेशन सेंटर लेने के लिए जो ब्रांच मैनेजर है वो आपका इंटरव्यू लेगा उसके लिए। पार्टिसिपेट्स इन द ट्रेनिंग ऑफ द हेड ऑफ एजुकेशन सेंटर एंड पास द एग्जाम। और आपकी एजुकेशन सेंटर लेने से पहले आपका एटोमी एजुकेशन सेंटर के जो सेमिनार्स होंगे, एजुकेशंस होगी, वो आपको लेनी पड़ेगी वहाँ पे, और एक एग्जाम होगा वो पास करना पड़ेगा। डेकोरेशन एंड डिस्प्ले विच इंक्लूड पोस्ट ATC एक्सेप्टेंस, ठीक है। जो भी आप डेकोरेशन करोगे एजुकेशन सेंटर के अंदर, जो पोस्टर डिस्प्ले करोगे, वो पहले आपको सेंटर की परमिशन से ही होगा।
इफ़ द एप्लीकेंट फेल टू अटेंड इंटरव्यू और ट्रेनिंग ऑन टाइम ड्यू वेरियस रीजन्स द एप्लीकेशन टाइम एक्सीड द 3 months द एप्लीकेशन विल बी डिसक्वालिफाइड एनी लाइबिलिटी एंड लॉस अराइजिंग देयर फोन शैल बी होम बोम बोर्न बाई द एप्लीकेंट। अगर आप एटोमी की ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, तो आपका आपका जो सेंटर है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको सेंटर नहीं मिलेगा। और एप्लीकेशन टाइम 3 महीने के लिए अगर आपने बढ़ा दिया तो भी आपका एप्लीकेशन विल बी डिसक्वालीफाइड, तो ये ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, ए लेटर ऑफ गारंटी साइन बाई मेंबर ऑफ ग्रुप सीनियर क्लब, ए लेटर कमिटमेंट, ये सेम चीज़ें हैं कि रोल क्लब का आपका मेंबर होना चाहिए, वही आपका लेटर साइन करेगा, और एक आपका खुद का साइन होना चाहिए कमिटमेंट लेटर, ठीक है। फोर्थ है असेसमेंट रिक्वायरमेंट फॉर कन्वर्टिंग टू ए फॉर्मल एजुकेशन सेंटर। बिफोर दी ऑनलाइन माल ओपन होने से पहले दो जू हैव बीन रिलेटेड दो जू हैव बीन रेटेड एज द सेल्स मास्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट का देखिए, आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा, सबसे पहली कंडीशन ये है, दो जू हैव बीन रेटेड एज द सेल्स मास्टर, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको सेल्स मास्टर बनना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेल्स मास्टर लेवल फॉर 3 times विद इन 3 months ऑफ शॉपिंग मॉल, जैसा कि आप सबको पता है 3 महीने के अंदर 3 बार आपका सेल्स मास्टर अगर क्वालिफाई हो जाता है, फर्स्ट मंथ में 1 time, सेकेंड मंथ में 1 time और थर्ड मंथ में 1 time, ठीक है, 3 महीने में 3 बार आपको सेल्स मास्टर क्वालिफाई करोगे तो ही आपका लाइसेंस आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपकी टीम होनी चाहिए जिसको बोलते हैं ऑटो सेल्स मास्टर। अगर आप ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हैं 3 months में 3 times, ठीक है, तो आपको एटोमिक लाइसेंस मिलेगा। और 3 months ऑफ शॉपिंग मॉल ओपनिंग कैन बी कन्वर्टेड इन टू ए फॉर्मल एजुकेशन सेंटर, इफ नॉट द ऑपरेशन ऑफ द एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन विल बी कैंसिल्ड। अगर इस बीच आपने सेंटर ओपन कर लिया है तो आपका सेंटर का ऑपरेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नॉर्मली लेवल पे टेम्पोररी आपने एजुकेशन सेंटर ओपन कर लिया है और एटोमी ऑफिशियल ओपन होने के बाद अगर आप 3 बार 3 महीने में सेल्स मास्टर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपका सेंटर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। After the online mall opens, those who have been rated as sales master or above level 4 3 times pass the interview. जब आप 3 बार sales master qualify कर लोगे तो आपका interview होगा और interview आपको pass करना पड़ेगा। Interview, exam और training, ये तीनों चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, compulsory है, ठीक है। Before the deadline can be converted into a formal education center. Permanent education center के लिए convert होने से पहले आपको exam देना पड़ेगा, interview देना पड़ेगा और exam pass करना पड़ेगा और training लेनी पड़ेगी, education center की क्या क्या training होती है वो। Next, रिक्वायरमेंट फॉर साइट सिलेक्शन फॉर एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन सेंटर के लिए जो साइट का सिलेक्शन है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखिए। सजेस्टेड साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लीन एनवायरमेंटल, बिल्कुल साफ होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, बस रेल हवाई जो भी है ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके एरिया में ताकि लोग आपके सेंटर पर आ सके। हैव इंडिपेंडेंट स्पेस, और काफ़ी स्पेस होना चाहिए, कैन नॉट डिस्प्ले अदर ब्रांड प्रोडक्ट्स, और दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट आप वहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर सकते। द बिल्डिंग एरिया शैल नॉट बी लेस देन 50 square meters, 50 square meters से कम का एरिया नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 square meters, चाइना में 50 square meters से 500 square meters का एरिया होना चाहिए। कीप अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 kilometer इन डायमीटर फ्रॉम अदर सेंटर एंड कंपनीज, आपके एरिया में अगर दूसरी कंपनीज हैं तो उनसे 1 किलोमीटर का दूर आपका होना चाहिए, या तो एटोमी का सेंटर आपके से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए या दूसरी कंपनियों के जो सेंटर्स हैं वो भी आपके ब्रांच ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। साइट टू बी सिलेक्टेड इज फॉरबिडन, जो भी साइट है सिलेक्शन वो किसी को बताना नहीं, ठीक है। साइट टू बी सिलेक्टेड इज फॉरबिडन, डू नॉट सेलेक्ट दिस साइट प्रोहिबिटेड बाई द कंपनी, यानी कि जो कंपनी बोल रही है कि ऐसा नहीं करना है तो वो देखिए आप। डू नॉट सेलेक्ट दिस साइट, ऐसी साइट आपको सेलेक्ट नहीं करनी है जहाँ पे कंपनी मना करती हो, जैसे कि गवर्नमेंट की साइट हो, मिलिट्री की साइट हो, स्कूल, हॉस्पिटल, बेसमेंट, रेजिडेंशियल एरिया में आपको साइट सेलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। डू नॉट सेलेक्ट शॉपिंग मॉल एंड स्ट्रीट होम, जो भी गलियाँ हैं, गली दुकानों की गली गलियों में दुकानें होती हैं लेफ्ट एंड राइट में वो, और डू नॉट सेलेक्ट शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के आसपास और दुकान जहाँ गलियों में दुकान से वहाँ पे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट सेलेक्ट शॉपिंग मॉल एंड स्ट्रीट शॉप, नॉट क्लोज टू वेजिटेबल मार्केट, और सब्जी की मार्केट के पास आपको नहीं ओपन करना है, ठीक है। स्मॉल कमोडिटी मार्केट वहाँ भी नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन साइट के पास भी नहीं करना है आपको ओपन, गार्बेज कलेक्शन सेंटर भी नहीं जहाँ पे कूड़ा गंदगी इकट्ठा होता है वहाँ भी आपको सेंटर की साइट सिलेक्शन नहीं करनी। और आप एटोमी टीम वॉरियर, इंडिया टीम वॉरियर, चाइना ग्लोबल टीम से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको एटोमी टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कोई भी अपडेट एटोमी चाइना से रिलेटेड अगर होती है तो आपको दी जाएगी। ये सारी की सारी जो अपडेट बताई गई है ये अप्रोक्सीमेट अपडेट्स हैं जो चाइना में इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आधारित की गई है। ओके, अगर कुछ भी अपडेट अमेंडमेंट होता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इस पूरी इन्फॉर्मेशन को फाइनल फाइनल ना लेकर के चले, अप्रोक्सीमेट रहेगा। अगर कुछ भी चेंज हुआ तो हम आपको बताएंगे कि ये एटोमी चाइना में रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि अभी फर्स्ट फेज में है रजिस्ट्रेशन, तो हो सकता है कुछ अमेंडमेंट हो फ्यूचर में, ठीक है, लाइक दैट। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।